ज्यादा रखकर अदालत अपने नतीजे पर पहुंचे तो कम अज कम उसको 5,000 साल की सजा होनी चाहिए। सामाजिक संगठन अधिकार मंच की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। अधिकार मंच के महासचिव के रूप में सत्येंद्र त्रिपाठी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हमने होली मिलन समारोह में बॉलीवुड के खलनायक श्री रजा मुराद जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उन्होंने डांस करके लोगों का दिल जीत लिया और करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। को मद्देनजर रखकर अदालत अपने नतीजे पर पहुंचे तो कम अज कम उसको 5,000 साल की सजा होनी चाहिए। और ये देखिए, संयोग देखिए कि कानून तोड़ने वाला और कानून के रखवाले आज एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। बहरहाल मैं दिल्ली पुलिस की दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूं। जब भी मौका पड़ा है इन्होंने अपनी बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हैं और जहां तक दिल्ली पुलिस के अनुशासन का सवाल है तो जिस तरह कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत 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 लंबे होते हैं, तो इनकी गिरफ्त से कोई बचा जाता नहीं है और इन्हीं की वजह है कि आज शहर में कानून की व्यवस्था जो है बिल्कुल सही चल रही है। ये बेचारे रात को ड्यूटी निभाते हैं, रात को जागते हैं इसलिए कि हम रात को आराम से सो सकें, ये अपनी नींद कुर्बान करते हैं, ये अपने परिवार से दूर रहते हैं, कई बार बड़े खतरनाक बदमाशों का सामना भी करते हैं और उन्हें मिट्टी में भी मिला देते हैं। तो ये खासियत है दिल्ली पुलिस की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरे भाई सत्येंद्र जी, ये मुझे बुलाना नहीं भूलते, ये मुझे बुलाना नहीं भूलते और मैं आना नहीं भूलता। कोई भी फंक्शन हो, सत्येंद्र त्रिपाठी जी के लब पर सबसे पहले मेरा नाम आता है और मैं इनके प्यार के कच्चे धागे में बड़ा चढ़ा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है आज, बहुत अच्छी महफिल है, रंगारंग महफिल है। एक गाना है कि चोली के पीछे क्या है, मैं कहता हूँ कि होली के पीछे क्या है। होली के पीछे भाईचारगी है, होली के पीछे जश्न है, होली के पीछे मौज मस्ती है, होली के पीछे रंगारंग कार्यक्रम हैं, एक दूसरे को रंगते हैं, पुरानी रंजिशों को भूल जाते हैं और दुश्मन को भी गले लगा के पुरानी बातों को भूल जाते हैं और बड़े से बड़ा मजाक हो उस दिन उसका बुरा नहीं माना जाता। तो मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है होली हमेशा, और जिन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया राज कपूर साहब ने, उनकी मैंने 3 फिल्मों में काम किया, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मेरी हिना, बहुत ही जोशो खरोश से आके में होली बनती थी। आज वो नहीं है लेकिन फिर भी उनकी यादें हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में आज आप आए इस महफिल में और आपने अपनी मौजूदगी से इस समारोह को रंगारंग कर दिया। मैं ज़ाती तौर पर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी बड़ी तादाद में आए और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे छोटे भाई सत्येंद्र त्रिपाठी जी इसी तरीके से मुझे बुलाते रहेंगे और मैं आता रहूँगा। देखिए, बुलाना तो ज़रूरी है ना, बिन बुलाए तो आदमी ऊपर भी नहीं जाता, वहाँ से भी बुलाव आता है तो आदमी जाता है। बस यही कहूँगा और फिर दोबारा आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
मैं जाऊंगा लेकिन वापस आने के लिए, जाऊंगा नहीं तो वापस चले। आप भी निर्णय कहूंगा कि शराबों को आंखों में महफूज रखना, शराबों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर बुलाना। और श्री गुप्ता जी को देखकर पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि महिला पुलिस कर्मी इतनी सुंदर होगी, पहली बार इतनी सुंदर मैंने पुलिस कर्मी को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सतपाल पाटिल जी को बुलाना चाहूंगा।